हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड आज का हमारा टॉपिक है बेनिफिट ऑफ क्रेडिट रेटिंग टू कंपनी प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि क्रेडिट रेटिंग के क्या बेनिफिट होते हैं इन्वेस्टर को आज हम देख रहे हैं क्रेडिट रेटिंग के क्या बेनिफिट होते हैं कंपनी को तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमने आगे डिटेल में समझना है विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल सबसे पहला पॉइंट है हमारा एक्सेस टू कैपिटल अब देखो किसी कंपनी को ना अगर रेटिंग मिली हुई है अगर वो हाई रेटिंग मिली हुई है तो अब फॉर एग्जांपल अगर वो किसी के पास जाएगी कि उसे अगर लोन चाहिए लाइक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के पास जाएगी या फिर किसी बैंक के पास जाएगी तो वो क्या करेगी क्या, वो पैसा मांगेगी मतलब पैसा लेगी उनसे अब बैंक क्या करेंगे अगर उस कंप उसकी रेटिंग देखेंगे उस कंपनी की अब अगर क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ने उस कंपनी को अच्छी रेटिंग दी है तो बैंक क्यों हिचकिचाएगा पैसे देने में वो इजीली दे, दे देगा तो ये जो प्रोसेस है ये भी क्या है बहुत स्मूदली हो जाएगी तो कंपनी को हेल्प मिलती है अगर उनकी अच्छी रेटिंग हो कि वो एक्सेस कर सकती है कैपिटल कैपिटल में ईजिल ठीक है अगर उनको कैपिटल चाहिए तो ईजिली क्या उन्हें मिल जाती है तो अ गुड क्रेडिट रेटिंग मेक इट ईजियर कंपनी के लिए रेस करना फंड लोन बोन फेवरेबल इंटरेस्ट रेट पर दिस हेल्प दैम वो उनको हेल्प करता है फाइनेंशियल एक्सपेंशन के लिए मैनेज करने के लिए कैश पे जैसे एग्जाम्पल है अ कंपनी विद हाई रेटिंग कंपनी क्या है सिक्योर कर सकती है फाइव परसेंट इंटरेस्ट रेट पर वाइल एक बी कंपनी है जो लोअर रेट पर तो उसको आठ परसेंट मिल रहा है ठीक है तो इससे क्या है कहीं ना कहीं कंपनी कही को क्या कैपिटल भी गई ऊपर से इंटरेस्ट वगैरह भी कम रेट पर मिल जाते हैं सेकेंड पॉइंट है लोअर बोरोइंग कॉस्ट अब देखो कोई कंपनी है फॉर एग्जाम्पल ठीक है अगर उसको अच्छी खासी रेटिंग मिली है तो उसको वो बैंक के पास जाएगी उसको ईजिली लोन मिल जाएगा ठीक है उसको इधर उधर चार बैंकों के पास नहीं जाना पड़ेगा इधर उधर नहीं करना पड़ेगा तो कहीं ना कहीं जो उसकी कॉस्ट है ये एक्स्ट्रा वो क्या है कम हो जाएगी तो बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं ना इसको हम तो बोरो करने के लिए जो भी फंड हमें कॉस्ट uh, लगती है बीच में उसको हम बोरोइंग कॉस्ट कहते हैं पर अगर हमें ईजिली मिल जा रही है तो बोरोइंग कॉस्ट अपने आप ही कम हो जाएगी तो वह बोला हाई हायर क्रेडिट रेटिंग वाली जो कंपनियाँ होती हैं उनको क्या है लोअर बोरोइंग कॉस्ट मिलती है क्योंकि कंपनी क्या अपनी ये क्रेडिट रेटिंग को यूज़ कर सकती हैं और ईज़िली क्या उन्हें ये सारी चीज़ें मिल जाती है कैपिटल वगैरह पैसे वगैरह तो देखो यहाँ एग्जांपल भी यही है अ कंपनी विद एक्सेलेंट क्रेडिट रेटिंग पे लेस इंटरेस्ट ऑन द आउटस्टैंडिंग डेट और अभी हम हमने ये भी पढ़ा था कि इनको जो भी इंटरेस्ट मिलता है वो भी क्या कम रेट पे मिलता है नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस इन्वेस्टर्स कॉन्फिडेंस का मतलब कि अगर कंपनी की हाईली रेटेड है तो इन्वेस्टर क्या है ईज़िली वहाँ इन्वेस्ट कर देगा क्योंकि उसको कॉन्फिडेंस है कि हाँ यार ये कंपनी है जो डिफॉल्ट नहीं मारती होगी ईजीली पे कर लेती होगी अपने डेट ऑब्लीगेशन को ठीक है तभी तो इसकी अच्छी रेटिंग है तो इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस क्या बूस्ट होता है तो अस्ट्रॉग क्रेडिट रेटिंग जो सिग्नल होता है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है कंपनी की ठीक है रिलायबल कर सकते हो इसमें मतलब इसमें तुम ये रिलायबल कंपनी है तो इन्वेस्टर्स क्या करते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं उस कंपनी की तरफ और वहाँ पे क्या करते हैं इन्वेस्ट करते हैं जैसे एग्जाम्पल है कि कंपनी एक्स है टॉप नोट क्रेडिट रेटिंग है उसकी तो वो अट्रैक्ट करती है ज्यादा ठीक है और इंक्रीज होती है उसकी डिमांड उसके, उसके शेयर्स की भी डिमांड ज्यादा है और तो उसके ऑटोमेटिकली क्या है उसके शेयर के प्राइस भी ज्यादा है मार्केट में नेक्स्ट है नेगोशिएशन पार ठीक है तो कंपनीज़ विद गुड क्रेडिट रेटिंग जो कंपनियों के पास अच्छी खासी क्रेडिट रेटिंग होती है वो क्या है बेटर नेगोशिएशन कर सकती है बेटर मतलब अपनी टर्म्स एंड कंडीशन में मनवा सकती है सप्लायर के साथ तो चीज़ों को ठीक है दे कैन सिक्योर फेवरेबल पेमेंट टर्म्स वो क्या है टर्म्स एंड कंडीशन को भी क्या है फेवरेबल रख सकती है लंबे समय तक रख सकती है ऐसे कर सकती है डिस्काउंट भी ले सकती है ठीक है ट्रेड क्रेडिट क्रेडिट पर भी चीज़ें ले सकती है और वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट भी कर सकती है क्यों क्योंकि कहीं ना कहीं उसकी रेटिंग अच्छी है तो सारे उस पर विश्वास भी कर लेंगे जैसे एग्जाम्पल है कंपनी वाई वाई सॉलिड क्रेडिट रेटिंग मतलब उसकी बहुत अच्छी क्रेडिट रेटिंग है तो वो नेगोशिएट करती है कि हाँ हम जो पेमेंट है वो लॉन्गर टर्म पे करेंगे बिकॉज हमारी रेटिंग अच्छी है तो हम डिफॉल्ट तो नहीं मारेंगे ठीक है तो सप्लायर के साथ इन सबके साथ क्या वो अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे कॉन्ट्रैक्ट करती है नेक्स्ट है मार्केट रेपुटेशन कंपनी की अगर रेटिंग अच्छी हो तो मार्केट में उसकी अपने आप ही रेपुटेशन बढ़ जाती है अ अस्ट्रॉन्ग क्रेडिट रेटिंग इनहस द कंपनी रेपुटेशन इन द मार्केट इट रिफ्लेक्ट देयर एबिलिटी कहीं ना कहीं जो रेटिंग होती है वो उनकी एबिलिटी को ही तो शो कर रही है कि भाई ये कंपनी बहुत स्ट्रॉग है फाइनेंशियल ऑब्लीगेशन को टाइमली पे कर देती है जैसे एग्जाम्पल है कि कंपनी जेड है वो हाई क्रेडिट रेटिंग है नॉट ओनली अट्रैक्ट इन्वेस्टर वो इन्वेस्टर को तो अट्रैक्ट करती करती है बट ऑल्सो उनका ट्रस्ट भी ठीक है अपने कस्टमर्स का ट्रस्ट ये सबका का confirm, जो कस्टमर्स का कॉन्फिडेंट होता है उनको भी क्या उसने बनाया रखा है तो ये हमने पॉइंट पढ़े जो क्या है कंपनी को बेनिफिट देते हैं क्रेडिट रेटिंग का अब हम इसका कॉन्क्लूजन दे, देख लेते हैं कि अगर हम समरी में बोले कि जो क्रेडिट रेटिंग है वो बेनिफिट करती है कंपनी को उन्हें फैसिलिटेट करती है कि वो इजीली कैपिटल को एक्सेस कर सके रिड्यूस उनका कॉस्ट ऑफ बोरिंग होती है बूस्ट होता है इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस ठीक है नेगोशिएशन पावर उनकी इंक्रीज़ होती है और पॉजिटिव मार्केट रेपुटेशन उनकी बनती है जो क्या है कहीं ना कहीं उस कंपनी को फाइनेंशियल स्टेबल और ग्रोथ के लिए क्या है बहुत हेल्प करते हैं तो आज का टॉपिक हमारा इतना ही था अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें थैंक यू